ये कहानी जेरी शेफर्ड और उसके 8 डॉग्स की एक सच्ची कहानी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि इंसान और डॉग्स के बीच में कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 8 ब्लो। ये कहानी शुरू होती है सन 1993 से, जहां पर जेरी को दिखाया जाता है जो एंटार्क्टिका के एक रिसर्च बेस पर गाइड के तौर पर काम करता है, और ये काम करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ। दरअसल उनके साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और जेरी के यहाँ पर 8 डॉग्स भी होते हैं जिनसे जेरी बहुत प्यार करता है, और ये 8 डॉग्स भी जेरी से बहुत प्यार करते हैं। जो जेरी कहता है ये सब वही करते हैं। और इनमें एक फीमेल डॉग होती है जिसका नाम माया होती है, जो इन सभी डॉग्स में सबसे समझदार होती है। अब यहाँ पर एक UCLA के प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर डेविस, और इन्हें माउंट मेलबोर्न में जाना है जो यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि मर्करी प्लेनेट से वहाँ पर एक मीटेराइड गिरा है, और ये उसी को लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। जेरी उन्हें कहता है कि वो जगह यहाँ से दूर है, और वैसे भी जनवरी का एंड चल रहा है, स्नो बहुत थिन होगी और हम स्नो मोबाइल्स के थ्रू वहाँ नहीं जा सकते। स्नो मोबाइल का मतलब होता है कि बर्फ पर चलने वाली गाड़ियाँ। जेरी का जो बॉस होता है वो कहता है कि ये बहुत दूर से आए और इन्हें वहाँ पर किसी भी हालत में जाना है। जेरी कहता है कि अगर ये वहाँ पर जाना ही चाहते हैं तो वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है डॉग्स के साथ। ये जो 8 डॉग्स होते हैं ये ठंड में रहने के आदि है, यानी कि ठंड के ही डॉग्स हैं। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ है, लेकिन फिर भी ये पूरी रात बाहर ही सोते हैं। अब अगली सुबह जेरी और डॉक्टर डेविस यहाँ से 8 डॉग्स के साथ डॉग स्लेट पर माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें मीटेराइड ढूंढना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, और डॉग स्लेट को खींचने में सबसे आगे होते हैं जैक और माया। ये इन दोनों को खींच के बर्फ की चट्टानों से बहुत दूर तक ले जाते हैं, और आगे बर्फ के मैदान आते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं पता कि बर्फ कितनी मोटी होगी। इसीलिए जेरी यहाँ पर डॉग्स की पोजीशन को बदल देता है, ताकि अगर कोई डॉग बर्फ पतली होने के कारण बर्फ के अंदर चला भी जाए तो दूसरा डॉग उसे खींच ले। हालांकि सिन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ जेरी आगे बर्फ को चेक करते हुए चल रहा होता है, क्योंकि स्लेट पर जो इनका सामान होता है वो काफी भारी होता है, और अगर बर्फ की परत पतली होगी तो सारा सामान नीचे गिर जाएगा। और जब जैक बर्फ को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक जगह बर्फ की लेयर बहुत पतली होती है। वो अपने डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस साइड से ना जाएं, लेकिन डॉग्स का कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा नहीं होता, जिस वजह से वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते। और जिस स्लेट पर प्रोफेसर डेविस होते हैं वो बहुत भारी होती है, इसीलिए उस जगह से बर्फ धस जाती है, और प्रोफेसर डेविस उस स्लेट को पकड़ लेते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है, और अगर उन्हें जल्द से जल्द ऊपर नहीं निकाला गया तो बर्फ के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन जेरी रस्सियों को पकड़ लेता और डॉग्स को सही इंस्ट्रक्शंस देता है, जिस वजह से वो प्रोफेसर को और स्लेट को सारे सामान के साथ ऊपर खींच लेते हैं, और इस तरह से प्रोफेसर की जान बच जाती है। इन्हें सफर करते हुए पूरा एक दिन हो चुका है, और रात को ये एक जगह पर स्टे करते हैं, और अगली सुबह ये माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये पहाड़ की एक बहुत ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, और वहां से जेरी प्रोफेसर को दिखाता है कि वो रहा तुम्हारा माउंट मेलबोर्न, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन अभी भी वो यहां से काफी दूर है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर जहां से प्रोफेसर और जेरी आए हैं, वहां पर मौसम विभाग का कॉल आता है, और उन्हें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तुम सबको अब वापस नीचे आना होगा। जेरी के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन जेरी को पहुंचा देते हैं। जेरी प्रोफेसर को कहता है कि हमें लौटना होगा, कल सुबह हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर जेरी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हजारों मील का सफर तय करके सिर्फ उस मीटेराइड के लिए आया हूं, और हो सकता है कि हमें मरकरी से आया हुआ पहला मीटेराइड मिल जाए। ये बहुत ही नायाब होगा, शायद हमें ऐसी चीजों का पता चल जाए जिस बारे में हमें आज तक नहीं पता। हालांकि जेरी अब आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पर वो कहता है ठीक है, मैं आपको आधा दिन और देता हूं, और अगर इस आधे दिन में आपको वो मीटेराइड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। और अगली सुबह डॉग्स को नीचे ही छोड़कर ये दोनों के दोनों ऊपर मीटेराइड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मीटेराइड नहीं मिलता, और अब इनका वक्त खत्म होने वाला है। और तभी प्रोफेसर देखता है कि वहां पर एक बहुत अलग तरह का छोटा सा पत्थर होता है, और ये वही मीटेराइड होता है जिसके लिए प्रोफेसर हजारों मील का सफर तय करके अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर यहां तक आए, और जब उन्हें ये मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेरी और प्रोफेसर उनके डॉग्स के साथ बड़ी स्पीड से वापस जाना शुरू करते हैं, और तभी जेरी को पता चलता है कि उसके एक डॉग के पैर पर चोट लगी है। इसका नाम जैक होता है। जैक की एज 10 साल की है, वो बहुत ही समझदार डॉग है। जेरी
फाइनली जैक से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और वो प्रोफेसर को कहता है कि आप बेस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। और जब प्रोफेसर ऐसा कर रहे होते हैं तो वो चट्टान के कोने में चले जाते हैं और वहां पर बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो लुढ़कते हुए बहुत नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर जेरी को कहते हैं कि शायद मेरा पैर टूट गया है। जेरी कहता है कि आप वहां से हिलना मत, क्योंकि वहां पर बर्फ क्रैक होना शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स में उस जगह से बर्फ पूरी तरह से टूट जाती है जहां पर प्रोफेसर होते हैं, और वो पानी के अंदर गिर जाते हैं, वो तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी उन्हें ऐसा करने से मना करता है, वो कहता है कि आप बर्फ को पकड़ ले, मैं आपको बचाने के लिए नीचे आ रहा हूं, और वो रस्सियां लेकर नीचे पहुंच जाता है। लेकिन जेरी प्रोफेसर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो उनके आसपास भी गया तो बर्फ टूट जाएगी और वो भी प्रोफेसर की तरह वहां पर फंस जाएगा। इसीलिए वो अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग माया को रस्सी लेकर प्रोफेसर के पास भेजता है, और माया रस्सी को प्रोफेसर के गले में डाल देती है, और जितने भी डॉग्स यहाँ पर होते हैं वो सब मिलकर प्रोफेसर को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर है, उनका पूरा शरीर गीला है और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जल्द से जल्द इन दोनों को वापस अपने बेस में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तूफान भी शुरू होने वाला है। जेरी अपनी सबसे इंटेलिजेंट डॉग माया को कहता है कि तुम्हें हमें वापस घर ले जाना होगा, और माया अपने साथियों के साथ इन दोनों को स्लेड पर बिठाकर बेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर सब परेशान होते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। हालांकि यहाँ पर जो पायलट होती है वो इनकी मदद के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनका सीनियर बोलता है कि अगर तुम जाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तूफान की वजह से तुम्हें कुछ भी दिख नहीं पाएगा। और तभी वो खिड़की से देखती है कि सामने से डॉग्स आ रहे होते हैं, ये सब के सब बाहर जाते हैं और जेरी को और प्रोफेसर को अंदर ले आते हैं। जेरी बहुत खुश होता है, माया को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमें वापस ले आई। वापस आने के बाद इन्हें बोला जाता है कि हम सबको नीचे जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं ये अपने साथ उन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना सारा सामान, इतने सारे लोग एक साथ एक ही बार में नहीं जा सकते। लेकिन जेरी अपने डॉग्स को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसको बताया जाता है, यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद हम वापस आएंगे और डॉग्स को यहाँ से ले जाएंगे। जेरी कहता है मैं भी इनके साथ यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि उसके आठों डॉग्स उसके लिए उसके बच्चों की तरह हैं। वो उनसे बहुत प्यार करता है और उसके डॉग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जेरी को बताया जाता है कि तुम्हारी उंगलियां पूरी तरह से सुन पड़ चुकी है, हो सकता है कि तुम्हारे हाथ भी खराब हो जाएं, इसीलिए जल्द से जल्द तुम्हें नीचे जाकर मेडिकल फैसिलिटी लेनी होगी। और अब जेरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, वो सारे कुत्तों को जंजीर के साथ एक लाइन में बांध देता है, और वो माया को कहता है कि सबका ध्यान रखना। और इसके बाद ये सब के सब यहां से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जेरी भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पूरे सफर में बहुत थक चुका होता है, वो घायल होता है। और जब जेरी को होश आता है तो एक दिन बीत चुका होता है, और वो अपने साथी से पूछता है कि सब कैसे हैं। वो कहता है कि सब के सब ठीक है। जेरी कहता है मेरे डॉग्स को यहाँ पर ले आओ। वो बताता है कि डॉग्स अभी भी ऊपर है, तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसीलिए ऊपर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं मिली। हालांकि जेरी की तबीयत ठीक नहीं होती, फिर भी वो अपने कपड़े पहनता और पायलट के पास जाता है, और वो कहता है कि हम ऊपर कितनी देर में जा सकते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर जाने की परमिशन अब किसी को भी नहीं है, हमें सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना होगा। और वहां पर 8 के 8 डॉग्स जंजीर से बंधे हुए, और अगर ये सर्दियां खत्म होने तक वहां नहीं गए तो सब के सब मर जाएंगे, और जेरी कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। इसीलिए वो कमांडर के पास जाता और कहता है कि अभी भी ऊपर बेस पर कुछ जाने फंसी हुई है। कमांडर कहते हैं लेकिन मैंने वहां से सबको निकाल दिया। जेरी कहता है कि वहां पर 8 डॉग्स हैं। इस बात से कमांडर कहता है कि यहां पर 200 लोग हैं और मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, मुझे उनको बचाना है, और एक बड़ा तूफान यहां पर पहुंचने वाला है। अगर वो तूफान यहां तक पहुंच गया तो हम सब यहां पर फंस जाएंगे, और मेरे पास इतने लोगों का राशन नहीं है कि हम सब यहां पर सर्वाइव कर सके। और इसीलिए जेरी को परमिशन नहीं मिलती और ये सब के सब वापस न्यूजीलैंड आ जाते हैं। न्यूजीलैंड आने के बाद जेरी बहुत कोशिश करता है कि वो एक प्लेन हायर कर सके और अपने डॉग्स को बचा सके, लेकिन कोई भी उसे फाइनेंस नहीं करता। और उसे यह भी बताया जाता है कि वहां पर जितनी भी टीम्स जाने वाली थी वो सब के सब कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि 25 सालों में इतना बड़ा तूफान कभी भी नहीं आया। जेरी बहुत ज्यादा परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि उसने अपने सारे डॉग्स को बहुत टाइट बांध दिया था ताकि वो वहां से कहीं ना जा पाए और कुछ ही घंटों में वो उनको बचाकर वहां से ले जाए। लेकिन अब जेरी नीचे फंस चुका है और डॉग्स एंटार्क्टिका में आज डॉग्स को पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, और 2 हफ्तों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वो सब के सब बहुत कमजोर है, खामोश हैं। ये सब जेरी का इंतजार कर रहे हैं, और तभी यहाँ पर हवाएं और भी तेज हो जाती है और यहाँ पर जो फ्लैग होता है वो बहुत जोर से फड़फड़ाना शुरू हो जाता है, और उसे देखकर ये सारे
सारे के सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, चेन को खींचना शुरू कर देते हैं और ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से धातु हमेशा कमजोर पड़ जाती है और जो इनकी चेन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और एक के बाद एक ये सब के सब आजाद हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि जब ये सब के सब वहीं पर बैठे होते हैं तभी इन्हें एक पक्षी दिखता है और पक्षी इनके लिए खाना है। इन्हें 15 दिन हो गए, इन्होंने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया और ये सब मिलकर उस पक्षी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैक इनके साथ नहीं आता क्योंकि उसकी उम्र 10 साल है, वो कमजोर है और अब वो पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। हालांकि माया उसे अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन जैक यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता, वो अभी भी चेन से बंधा हुआ है और अब माया भी उसे वहीं पर छोड़कर बाकी डॉग्स के साथ पक्षियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जैसी ये पक्षियों के पास जाने की कोशिश करते हैं वो उड़कर इनसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए माया एक रणनीति बनाती है, सारे डॉग्स को एक साइड खड़ा कर देती है और खुद दूसरी तरफ से पक्षियों को उड़ाती है और जब पक्षी उस तरफ उड़ते हैं जिस तरफ बाकी डॉग्स हैं तो सब के सब इन पर झपट पड़ते हैं और इनके हाथ कुछ पक्षी लग जाते हैं। 15 दिनों में पहली बार इन्हें खाना मिला, सब के सब मिल बांट कर उन पक्षियों को खा लेते हैं। वहीं नीचे जेरी पूरी तरह से परेशान होता है, उसने हर जगह से मदद लेने की कोशिश की है लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली और जब वो हर जगह से थक जाता है तो वो प्रोफेसर डेविस के पास जाता है। प्रोफेसर डेविस वही है जिनकी जान उन डॉग्स ने बचाई थी और वो प्रोफेसर डेविस को कहता है कि मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे डॉग्स अभी भी ऊपर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी साइंस विभाग में अच्छी जान पहचान है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद से ऊपर जा सकता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं इसमें उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और वैसे भी तुम अगर ऊपर चले गए तो वहां पर टेम्परेचर -50 होगा और डॉग्स को बंधे हुए वहां पर इतने दिन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब कोई भी बचा होगा। जेरी कहता है मैं सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ लेकिन प्रोफेसर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते, उन्हें लगता है कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए जेरी को वहां से निराश होकर जाना पड़ता है। इस बात से जेरी पूरी तरह से टूट जाता है, वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके सारे डॉग्स ऊपर फंसे हुए जिन्होंने उसकी कई बार जान बचाई है। वहीं ऊपर डॉग्स को आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों तक ये ट्रैवल करते रहते हैं, पक्षियों को मार कर खाते हैं और एक दिन जब ये पहाड़ की चोटी पर होते हैं तो वहां से इनमें से एक डॉग नीचे गिर जाता है और वो वहां से उठ नहीं पाता। सारे डॉग्स रात को उसी के पास वहीं पर सो जाते हैं और जब सुबह सब उठते हैं तो वो मर चुका होता है और अब बाकी के सारे डॉग्स यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन एक डॉग जिसका नाम मैक्स होता है वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुकता है और जब वो अपने साथियों के पीछे जाना चाहता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता, वो उन्हें खो देता है और वो वापस अपने अमेरिकन बेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां पर जेरी इन सबको बांध कर गया था। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 5 डॉग्स होते हैं वो रशियन बेस तक पहुंच जाते हैं। दरअसल पहाड़ों पे अलग अलग देशों के अलग अलग बेस होते हैं, रशियन बेस पूरी तरह से खुला होता है, यहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान होता है। सारे डॉग्स रशियन बेस के अंदर जाकर बहुत सारा खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स अपने बेस तक पहुंच जाता है लेकिन ये पूरी तरह से लॉक होता है, वो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसका कोई भी साथी उसे नहीं मिलता। ये भूखा है और तभी इसे एक मरी हुई किलर व्हेल दिखती है, ये उसके पास जाता है, उसे खाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है अंदर से एक लेपर्ड सील बाहर निकलती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है, इसके पास जो भी जाता है ये उसे मार देती है और इसीलिए मैक्स को यहाँ से जाना पड़ता है। मैक्स भूखा है, वो किसी भी कीमत पर इस मांस को खाना चाहता है और तभी मैक्स देखता है कि उसके 5 साथी जो रशियन बेस तक पहुंच गए थे, जिन्होंने वहां पर खाना खाया था, वो भी वापस लौट चुके होते हैं और वो सब के सब मैक्स को देख लेते हैं और अब ये सब एक बार फिर से मिल चुके हैं, ये सब के सब भूखे हैं, इनके सामने खाना है लेकिन ये उस मरी हुई किलर व्हेल को नहीं खा सकते क्योंकि वहां पर लेपर्ड सील है। लेकिन मैक्स उस मरी हुई किलर व्हेल से एक मांस का टुकड़ा चुरा कर भाग जाता है और सील उसका पानी के नीचे से यानी कि बर्फ के नीचे से पीछा करती है। मैक्स ऊपर से भाग रहा होता है और उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उसके जो यहाँ पर 5 साथी है इस दौरान वो वहां से खाना खा लें और होता भी ऐसे ही, वो पांचों के पांचों उस मरी हुई किलर व्हेल के पास पहुंच जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सील जो मैक्स का पीछा कर रही होती है अब वो भी वापस लौट जाती है और जब वो मरी हुई किलर व्हेल के पास पहुंचती है तो वहां पर 5 डॉग्स उसका खाना खा रहे होते हैं और इस बात से गुस्सा होकर सील माया के पैर को जख्मी कर देती है और जब डॉग्स देखते हैं कि सील ने माया के ऊपर हमला किया तो वो सब के सब सील के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे चारों तरफ से काटना शुरू कर देते हैं और इस बात से सील वापस पानी में चली जाती है, वो अपने खाने से दूर हो जाती है और अब सब डॉग्स को उस मरी हुई किलर व्हेल को खाने का मौका मिल जाता है। सब
यहाँ पर भरपेट खाते हैं। हालांकि माया जख्मी है लेकिन इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी अपने डॉग्स के लिए परेशान है। वो किसी भी तरह से उन तक पहुँचना चाहता है। हालांकि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं होती, लेकिन अब वो ये फैसला कर लेता है वो अकेला ही वहां पर जाएगा और वो न्यूजीलैंड के पोर्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहां से उसे शिप से जाना होगा और आगे का सफर वो कैसे तय करेगा उसे कुछ नहीं पता। न्यूजीलैंड पोर्ट पर उसे कोई भी ऐसा शिप नहीं मिलता जो उस जगह जा रहा हो जहां पर जेरी को जाना है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है और इस वक्त पानी जमा होगा। और तभी जेरी देखता है कि उसकी पूरी टीम, उसकी पायलट, उसका वो साथी जो मैप्स बनाता है और साथ ही साथ प्रोफेसर डेविस भी वहां पर होते हैं, और प्रोफेसर डेविस ने आगे के सफर के लिए सारी फंडिंग की होती है। उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी दूर से वहां नहीं जा सकता, इन्हें आगे का सफर शिप से ही करना होगा। ये किसी तरह से शिप अरेंज कर लेते हैं और जब ये शिप से आगे जा रहे होते हैं तो उस जगह से 100 मील पहले जहां से इन्हें हेलीकॉप्टर से ऊपर जाना है वहां पर बर्फ मोटी होने की वजह से इनका पानी का शिप फंस जाता है और अब ये आगे नहीं जा सकते। इन्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा या लौटना होगा, और अगर ये हेलीकॉप्टर से यहाँ से अपने बेस तक जाते हैं तो ये वापस नहीं आ सकते क्योंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं है। अब जेरी का जो साथी जो नक्शे बनाता है जिसे ऊपर के सारे रास्तों का पता है, वो कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है, हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से इटालियन बेस तक जा सकते हैं और इटालियन बेस यहाँ से इतनी दूर है कि हम वापस हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। जेरी पूछता है कि उसके आगे का सफर हम कैसे तय करेंगे, आगे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। उसका दोस्त बताता है कि इटालियन बेस पर हमेशा बहुत सारी स्नो कार्स होती हैं और हम इटालियन बेस से अपने बेस तक का सफर स्नो कार से तय करेंगे, और जेरी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। हालांकि जेरी और उसकी पूरी टीम ये मान चुकी है कि उसके सारे डॉग्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी जेरी उन्हें इज्जत देना चाहता है और उनके सम्मान में वो वहां तक किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहता है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि अब माया का पैर बहुत ज्यादा जख्मी है और वो चलते चलते एक जगह गिर जाती है, और अब सारे डॉग्स की जो लीडर है वो गिर गई है, इसीलिए सब के सब उसी के पास सो जाते हैं। वो सब शिकार करते हैं, माया को वहीं पर उसका शिकार लाकर देते हैं। इन सारे डॉग्स के अंदर प्यार है, यूनिटी है, इसीलिए 6 महीने तक ये ऐसे मौसम में सरवाइव कर जाते हैं जहां पर शायद कोई इंसान सारी फैसिलिटी होने के बाद भी जिंदा ना रह सके। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेरी और उसकी पूरी टीम अपने प्लान के हिसाब से अपने बेस तक पहुंच जाती है, और जब वहां पर जेरी पहुंचता है तो वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अपने 8 के 8 डॉग्स को बांध कर गया था। दरअसल बर्फ की वजह से चेन पूरी तरह से दब चुकी होती है और वो चेन ढूंढकर उसका एक सिरा खींचता है, और चेन के उस सिरे में उसका डॉग ओल्ड जैक होता है जिसने अपने आप को चेन से छुड़ाया नहीं था। वो पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा होता है। उसे देखकर जेरी को बहुत दुख होता है। वो अपने साथियों को कहता है कि इन्होंने अपने आप को चेन से नहीं छुड़ाया, शायद वो छुड़ा ही नहीं पाए, और इसके बाद वो चेन का दूसरा सिरा खींचता है लेकिन उस पर कोई भी डॉग नहीं होता। इससे उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है, और जब वो पूरी चेन उठाता है तो उसमें एक भी डॉग नहीं होता। इस बात से जेरी बहुत खुश होता है, वो अपने दोस्तों को कहता है कि उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया, और तभी वो सामने देखता है कि वहां से मैक्स आ रहा होता है और मैक्स के पीछे पीछे बाकी डॉग्स भी आ जाते हैं, और वो जेरी को देख के बहुत खुश होते हैं। वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू करते हैं और जेरी और उसके साथी भी पागलों की तरह उसके डॉग्स की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इन सब ने मान लिया था कि ये सारे के सारे डॉग्स मर चुके हैं, लेकिन 6 महीने तक ये डॉग्स यहाँ पर बचे रहे और जेरी को उसके 5 डॉग्स मिल जाते क्योंकि माया का पैर जख्मी था और वो पीछे रह गई थी, वो इनके साथ नहीं आती। जेरी अपने सारे डॉग्स को गाड़ी में बिठाता है लेकिन मैक्स गाड़ी पर नहीं बैठता और वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। जेरी को और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आता और जेरी भी उसके पीछे भागता है, और कुछ दूर जाने के बाद एक ढलान के नीचे देखता है कि वहां पर माया होती है। उसे देखकर जेरी बहुत खुश होता है, उसे सॉरी कहता है, और माया जो कि जख्मी है लेकिन अभी भी वो जिंदा है, जेरी उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कैंप तक अपने बेस तक ले आता है, और इसके बाद ये सब के सब गाड़ी में बैठकर यहां से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल इस सच्ची कहानी में जेरी और उसके डॉग्स के बीच में जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको दिखाया गया है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी जब वो जानता है कि शायद उसके डॉग्स अब इस दुनिया में हो भी ना, वो अपनी जान पर खेलकर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और वो उस कैंप को, उस बेस को छोड़ने से पहले वहां पर जैक की कब्र भी बना देता है। दरअसल शायद इंसान जिस प्यार को दूसरे इंसान से पाना चाहता है, वो प्यार कभी भी उसे इंसान से नहीं मिलता, वो सिर्फ उसे डॉग से मिलता है, इसीलिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार डॉग से किया जाता है।
तो ये थी पूरी कहानी फिल्म एट बिलो की। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $121 मिलियन की। 1983 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था एंटार्क्टिका और ये उस फिल्म का रिमेक है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।